हजरत एक जरूरी नाम सुने, धीमे की बकरी गुम हो गई है, जिसे भी मिले उसके घर दे जाए। अबे भूतनी के ये क्या कर दिया? गलती से मिस्टेक हो गई। हमारी जो बकरी गुम हुई थी ना, उसका ऐलान मैं मस्जिद में करवा आया हूँ। बस अभी तुम देखना दरवाजा बजेगा, कोई ना कोई बकरी दे जाएगा। ओह देखो दरवाजा बज गया, जा देख कोई बकरी लाया होगा। जल्दी जा। जा रहा हूँ। हाय भालू, जल्दी दरवाजा नहीं खोल सकता तू। बकरी किधर है? बकरी देने आया है ना? हाय, उसी बकरी के अफसोस के लिए तो आई हूँ मैं। कहाँ है मेरा दीमा? अब से हट तू। बकरी देने को आया है ना, या अफसोस करने आप पूरा मोहल्ला आएगा। है शम्मो। हाय दीमे, बड़ा अफसोस हुआ तेरी बकरी का सुन के। अल्लाह करे उसे कीड़े पड़े जिसने तेरी बकरी चुराई है। हाँ। बैठ इधर। कीड़े से याद आया, इसे देख के मुझे लगा है कि कीड़े सिर्फ अमरूद में नहीं होते। हे भालू, मुझसे पंगा ना ले, मेरी बद्दुआएं बड़ी बुरी हैं। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा तू मेरी बकरी का पता करने आ गई। दीमे जूस नहीं पिलाएगा? जा जूस लेके आ। आओ जी, पहले बकरी वाला क्या काम नुकसान हुआ है, अब पूरा मोहल्ला आएगा अफसोस के बहाने, खाएगा पिएगा ठूसेगा। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई, मैं तो देने आई हूँ दुआ। जा तू, मेरा मुँह क्या देख रहा है, जूस लेके आ। और सुना शम्मो? ये लो। जा देख दरवाजा बज रहा है, लगता है कोई बकरी देने आया होगा। शम्मो जूस ठंडा तो है ना? दरवाजे के साथ मेरा सर भी बजा दिया, हुक्म करो क्या काम है? बेटा मैंने सुना है नदीम बख्श की बकरी गुम हो गई है, उसका अफसोस करने आया हूँ। घर बैठ के दुआ कर देते, बकरी का अगर इतना ही अफसोस है तो ढूंढ के ला दो ना। बेटा मैं बहुत देखता आया हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आई। कैसे नजर आती, दोनों फ्यूज जोड़ चुके हैं आपके। चलो उम्र सारी आ जाओ यहाँ पे, पहले भी बहुत अफसोस चल रहा है, तुम भी कर लो। धीमे कहाँ है तू? हाँ बैठा हूँ मैं। धीमे मैंने सुना है तेरी बकरी गुम हो गई है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। हाय दुआ करो जल्दी मिल जाए। शम्मो तू भी यहीं बैठी है? इस हाथ को कंट्रोल करो, शम्मो नहीं धीमा है। ओह नो। धीमे चाय तो मंगा ले। शम्मो तू चाय पिएगी? हाँ पी लूंगी। हम सब के लिए चाय लेके आ। हम सब के लिए चाय लेके आ, उस बकरी से महंगे तुझे ये मोहल्लेदार पड़ेंगे, अब देखना। नरम से बिस्किट भी मंगवा ले धीमे। नरम से बिस्कुट लाइयो इसके लिए। जाओ दरवाजे पे देख, शायद कोई बकरी देने आया होगा। कोई बकरी देने नहीं आया, सब अफसोस के नाम पे एंजॉय करने आएंगे। ये लो चाय बिस्किट। ये चाय ले शमो। ये ले बशीरे चाय। चाय मैं बाद में पीऊंगा। क्या मसला है, क्यों रो रहा है? सुना है चाचे नदीमन की बकरी गुम हो गया, हम उसी का अफसोस करने आए हैं। अच्छा चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। नदीमन बड़ा अफसोस होया सुन के। मिल जाएगी मिल जाएगी। और कराओ मस्जिद में ऐलान बकरी का, दो और मेहमान आ गए। हाँ जी, ओ मैकडोनल्ड से कुछ लाऊं, पिज्जा पुज्जा खाएंगे, क्या खाएंगे? ए बेटा ये तो अंग्रेजी चीजें हैं, कोई रोटी टुक्कर का कर, कोई मुर्गा सुर्गा बनवा। इधर हूँ इधर, मंगवाओ मुर्गा अब। हाँ दी मैं मंगवा ना रोटी। रोटी? हाँ रोटी मंगवा ले, हम भी रोटी खाएंगे। यार बहुत खर्चा नहीं हो जाएगा? तो मैं क्या करूँ, किसने कहा था जाके ऐलान कराओ बकरी का, खर्चा तो होगा अब। जा फिर ले आ सबके लिए रोटी। बड़े होटल से लाऊं, फाइव स्टार होटल से? हाँ तो फाइव स्टार होटल से नहीं लाएगा तो ढाबे से लाएगा। फाइव स्टार से लाऊंगा। ले जनाब आ गया खाना, शुरू करें। वाह भालू की मैं भी लाया है। लाया हूँ ना ये देख। खाए शुरू करें। फाइव स्टार होटल से लाया हूँ सारा कुछ। ठीक है दी मैं, अब मैं चलती हूँ, बकरी मिल गई तो मुबारक देने जरूर आऊंगी। ठीक है दी मैं। ठीक है दी मैं, बकरी मिल गई तो मुबारक देने मैं भी आऊंगा। ओ इधर 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 मरो इधर। कितना खर्चा हो गया? 5,000 की बकरी थी, 7,000 खर्चा हुआ है। ओह नो। ले चौधरी फिर दरवाजा बज गया, यार मैं तो कहता हूँ तू साथ चल, जो भी अफसोस करने आया वही मिल ले, यहाँ आए तो फिर खर्चा होगा। चलो धीमे तेरी बकरी मिल गई। हाँ मेरी। ओ नहीं है भाई,
ये हमारी बकरी नहीं है, जाओ जिसकी पकड़ लाया वापस करो उसे। क्या मतलब, इसको जरा गौर से देखो, मुझे पता है ये बकरी तुम्हारी है। भाई साहब मैंने बोला ना ये हमारी बकरी नहीं है। ये बकरी तो हमारी है, तू ले क्यों नहीं रहा? चौधरी साहब 5,000 की बकरी है, पहले इस बकरी का अफसोस करने मोहल्ले वाले आए हैं, 7,000 का खर्चा हुआ है, अब बकरी मिलने की खुशी में आएंगे मुबारक देने, फिर 7-8,000 का खर्चा होगा, बकरी बहुत घाटा दे रही है, मैं तो कहता हूँ जाने दो। सही कहा। नहीं हो भाई, ये हमारी बकरी नहीं है, जिसकी है उसको वापस कर दे। लेकिन यार चल निकल यहां से। क्या दिमाग है यार तेरा, बहुत घाटा दे रही थी ये।